ईएनडी अलायंस बनाकर जैसे गोरों ने इस मुल्क के अंदर अपना एक नाम रखा था, उस नाम के पीछे भावना थी कि हम देश के लोगों को महसूस कराएंगे कि हम आपके अपने हैं। उसी तरह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई थी, ये इंडिया अलायंस भी उसी तरह बन के आया है। पर इस इंडिया अलायंस के पीछे क्या है? ये इनका मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे कौन कौन है? इस मुखौटे के पीछे गांधी परिवार है, जो 1984 के सिखों के कत्लों से हाथ, जिसके आज भी खून से लथपथ हैं। इसके पीछे केजरीवाल की मानसिकता है, जो दिल्ली के लोगों को एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री बांट रहा था। इसके पीछे ममता जी जैसा चेहरा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश में घुसाने का काम करती हैं। इसके पीछे अखिलेश यादव जैसा चेहरा है, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर लोगों को बांध बांध कर सरया नदी में फेंकने का काम किया। इसके पीछे ऐसे ऐसे लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों का है, जो चारा तक खा गए। ये लुटेरों का एक गठबंधन है, ये 40 चोरों का एक गठबंधन है, जिसका इन्होंने नाम इंडिया अलायंस इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके बेवकूफ बना सकें। लेकिन मेरे देश के लोग, मेरी माताएं बहनें, इनके किसी भी तरीके के बहकावे में आने वाली नहीं है। मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, पहले मैं आपको ये दर्द बताना चाहता हूं, मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं। हमसे कई लोग पूछते हैं, ये सिख इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, ये सरकार का विरोध क्यों करते हैं? हम सरकार का नहीं, हम गांधी परिवार का विरोध करते हैं। हम उस कांग्रेस का विरोध करते हैं, जिस कांग्रेस ने 1956 4 जुलाई 1956 को पहली बार श्री दरबार साहब, आप सुनकर हैरान होंगे, ये पापी कांग्रेस, ये खूनी कांग्रेस, इसके मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है। आप कल्पना करिए, हमारे सिखों की सबसे पवित्र स्थान गुरु रामदास पातशाह जी के स्थान के ऊपर कांग्रेस ने पहली बार 1956 में बंदूकों के साथ हमला किया, दूसरी बार 1 जून 1984 को हमला किया। अब सोच के देखिए, हमारे मन में पीड़ा क्यों ना हो। जिस गुरु ग्रंथ साहिब हमारे लिए सब कुछ है, उसके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप श्री दरबार साहब में है। अकाल तख्त साहब को तोपों से गिरा दिया गया, 41 गुरुद्वारे गिराए गए। और यही नहीं, पंजाब में 1980 के दशक में 2 दहाकों में 20 सालों में आप कल्पना नहीं कर सकते, 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को आतंकी बताकर मार दिया गया। 1 लाख से ज्यादा नौजवान। मेरे भाइयों, ये हमारा ही जिगरा है। हम इतना कुछ सहने के बाद भी हम फिर इस उम्मीद में रहे कि भारत में ये कांग्रेस हमें इंसाफ देगी, पर इंसाफ देने की बजाय इस कांग्रेस ने उन कातिलों को साथ दिया, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पे 8,000 बेगुनाह सिखों को मारने का काम किया। ये पापी कांग्रेस ऐसी कातिलों की कांग्रेस है।